चने भिगो दिए थे, एक बटाका, बड़ी इलायची, अक्खी धनिया, दालचीनी और थोड़ी चाय पत्ती डालेंगे तो इसमें बॉईल करने में तो कलर आ जाएगा। हल्का सा नमक डाल के खाने वाला सोडा हल्का सा डाल दो और बस बॉईल करने के लिए रख दो। तीन सीटी आ जाए तो स्लो कर दो, उसके बाद पकने से जब गैस निकल जाए तो बोलो पत्ती डाल लें कलर के लिए, दिमाग अच्छा कलर आ जाए। एक गिलास पानी डाल के रख दीजिए। हमारे चने गल चुके हैं, अब इसमें जो पोटली डाला था वो निकाल ले। देखो चने अच्छे से गल गए हैं, अब ये पोटली निकाल लीजिए। चने एक बर्तन में निकाल के रख लीजिए। तेल डाल दीजिए, तेल डाल के मसाला डाल दीजिए, कांदे का टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे धीमी आंच पे, एक चम्मच धनिया पाउडर, चार चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक अपने हिसाब से डालिए। अब चूल्हे ऐड कर के हमारे चूल्हे ऐड हो चुके हैं, अब इसमें पानी डाल दीजिए। हमारे चूल्हे तैयार हो चुके हैं, अब ये बर्तन में निकाल लीजिए। माशाल्लाह कितनी अच्छी डिश बनी है पंजाबी डिश है। अच्छे लगे।